कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। रही अच्छे से अच्छी फिल्म केजीएफ 2 के आगे अनेक और धाकड़ कैसे गिरी मुंह के बल। केजीएफ 3 के लिए कितना मसाला प्रशांत नील के पास है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीब्रेड स्टूडियोज, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। बॉक्स ऑफिस पर भारतीय फिल्मों के नतीजे चौंकाने वाले हैं। बैक टू बैक हिंदी फिल्में लगातार पिट रही है, जबकि ओरिजिनली कन्नड़ में बने केजीएफ चैप्टर 2 एक महीने से भी ज्यादा वक्त में करोड़ों की कमाई कर रही है। 14 अप्रैल को रिलीज हुई यश तारर फिल्म के जेफ 2 ने वर्ल्ड वाइड 1238 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। इस फिल्म ने इसके 46 डे पर वर्ल्ड वाइड करीब 3 करोड़ की कमाई की है, जबकि इस फिल्म ने एक दिन पहले ही 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का बिजनेस किया था। दूसरी ओर बॉलीवुड फिल्म अनेक का हाल बहुत बुरा है। शुक्रवार को रिलीज हुई थी आयुष्मान खुराना की ये फिल्म, 3 दिनों में ही ये फिल्म हाफने लगी। वीकेंड पर कमाई बढ़ने की बजाय घट गई है। इस फिल्म ने रविवार को महज 1.75 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जबकि कुल कमाई इन 3 दिनों में सिर्फ 5.5 करोड़ की ही हुई है। हाल के दिनों में बॉलीवुड फिल्मों का टिकट काउंटर पर प्रदर्शन हद से ज्यादा बुरा है। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 2 को छोड़कर बाकी एक महीने में हर बड़ी हिंदी फिल्म फ्लॉप साबित हुई। सबसे बुरा हाल तो कंगना रनौत की धाकड़ का रहा है दोस्तों, जिसके ना सिर्फ शोज कैंसिल हुए बल्कि हालत इस कदर बिगड़ गई कि एक दिन में 20 से भी कम टिकटें बिक रही है। वही दूसरी ओर है अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी फिल्म अनेक। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस फिल्म के समीक्षकों ने तारीफ की है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अलगाववाद के मुद्दे पर बनी इस फिल्म ने काफी उम्मीदें दर्शकों में जगाई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये कमाल नहीं कर पाए। अगर हम अनेक की कमाई के बारे में बात करें तो पहले दिन 1.75 करोड़ का कारोबार किया था। शनिवार को कमाई 2 करोड़ रुपए तक पहुंची थी। उम्मीद जगी थी कि रविवार को कमाई बढ़ेगी, लेकिन आईपीएल के फाइनल ने फिल्म का बिजनेस ही बिगाड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि रविवार को फिल्म ने सिर्फ 1.75 करोड़ की ही कमाई की, जबकि दूसरी ओर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 2 ने इन सबको पार करते हुए रविवार को 12 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। भूलभुलैया 2 की कुल कमाई अब तक 119 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर अगर कोई फिल्म सबसे ज्यादा चौंका रही है तो वो है केजीएफ 2। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का 1.5 महीने बाद भी कमाई करते रहना एक चौंकाने वाली बात है। यश के साथ ही फिल्म में संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी भी है। केजीएफ 2 ने साबित किया है कि यदि दर्शकों को शानदार कहानी के साथ जानदार एक्टिंग और दमदार डायरेक्शन का कॉकटेल दिया जाए तो बॉक्स ऑफिस पर ये धमाकेदार कमाई कर ही लेती है। दोस्तों, केजीएफ 2 ने इसके 46 डे पर वर्ल्ड वाइड 1238 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार कर लिया है। ऐसे में अब उम्मीद जग रही है कि धीरे धीरे ही सही क्या ये फिल्म 1250 करोड़ के आंकड़ा छू पाएगी। हालांकि यहाँ ये बात भी गौर करने लायक है कि केजीएफ 2 अब ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। अब ये रेंटल पर है, लेकिन बहुत ही जल्द इसे प्राइम वीडियो पर आम सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल किया जाएगा, यानी स्ट्रीम किया जाएगा। कुल मिलाकर फिल्म की कमाई इसलिए कम हो गई है और आगे भी होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये होगा देखना कि केजीएफ 2 की लाइफ टाइम कमाई कहां तक पहुंच पाती है। अब अगर इसके सीक्वल केजीएफ 3 की बात करें तो इस कहानी के लिए प्रशांत नील के पास है बहुत सारा मसाला। जैसे कि रॉकी कैसे 16 देशों के लिए मोस्ट वांटेड बना, कैसे उसने इनायत खलील को खत्म किया, उन 3-4 सालों में कैसे उसने अपना साम्राज्य दुनिया भर में फैलाया, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनने का उसका माँ को दिया हुआ वादा कैसे पूरा हुआ, वो आदमी कौन है जो रिपोर्टर आनंद को रॉकी की बादशाहत की कहानी सुनाकर उसे गैंगस्टर से मॉन्स्टर बता रहा है, रमिका सेन को ऐसा क्या पता जिसे वो छुपा रही है, क्या उसने आनंद की लिखी किताब एल डोरारो को बैन कर दिया, जला दिया। जब केजीएफ सिटी राख हो चुका है तो फिर रमिका सेन ने फिर कहां से वायुसेना और थलसेना से हमला करवाया।
क्या रमिका सेन भी रॉकी से कहीं ना कहीं मिली हुई है? समंदर में जब रॉकी और उसका सारा सोना डूब रहा था, तब वहाँ इंडोनेशिया और अमेरिका वाले क्या कर रहे थे? रॉकी अमेरिकी जांच एजेंसी CIA के निशाने पर कैसे आया? और इन सब से KGF 3 में प्रशांत नील हमें ये भी बताएंगे कि क्या रॉकी को वो मिला जो उसे पहले से यानी बचपन से चाहिए था, यानी दुनिया। लगता है KGF 3 अब इन सब सवालों के जवाबों के साथ ही आएंगी। वैसे आपका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, ये प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी फिल्मी अपडेट काफी होगी। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें।